हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बेटा आज मैं कुछ आरएमसी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करूँगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बेसिकली आप लोगों को उस पर प्रिपेयर एक बार ज़रूर करना पड़ता है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से वो था उनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए बेटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, the place you belong to, your highest qualification, then any achievement of yours, your skills, about your family, your hobbies and your aim basically। ठीक है, तो इतनी कुछ चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपसे इंट्रोडक्शन का पूछते हैं। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और गिव मी योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्ड इन द RMC इंटरव्यू। फिर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हॉबीज से क्वेश्चन पूछते हैं वो, वट आर योर हॉबीज। ठीक है, तो हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा एंड देन दे हैव आस्ड व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यू प्ले, कौन कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हो। क्यों ऐसे पूछते हैं बेटा आपसे, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने की वजह से बच्चा एक तो फिजिकली फिट होता है और बहुत सारी क्वालिटीज वहाँ से निकल के आती हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हाउ दे हेल्प देम इन डेवलपिंग यू। आपके जो हॉबीज़ हैं वो आपको कैसे हेल्प करते हैं कि आप उससे डेवलप हो। ठीक है, तो बेटा याद रखना हॉबीज़ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रीड बुक्स, सपोज इफ रीडिंग बुक्स इज योर हॉबी, तो इससे क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छे होंगे। सपोज अगर आप क्रिकेट खेलते हो, उससे क्या होगा, आपकी फिजिकल फिटनेस, अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक टीम स्पिरिट सीखते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ से सीखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हॉबीज़ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, अच्छा अपार्ट एंड हॉबीज़ आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, हॉबीज़ क्या करती हैं, आपके स्ट्रेस को दूर करती हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल माई हॉबीज़ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, तो मैं अगर बहुत स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं अगर गाने सुनूंगा तो आई विल बी फाइन। ठीक है, तो हॉबी याद रखना कि हॉबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर किसी की लाइफ में। तो किसी जिसके भी लाइफ में कोई हॉबी नहीं है, प्लीज़ इनकलकेट, ठीक है, एनी ऑफ द हॉबी विच यू लाइक। ठीक है, कैसे करोगे, ट्राई करो, ट्राई रीडिंग बुक्स, अच्छा लगता है तो उसको अपनी हॉबी बना लो। ठीक है, ट्राई टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, वो अच्छा लगता है उसको अपनी हॉबी बना लो। ठीक है, बट याद रखना हॉबी शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है इनसे बच्चों से योर फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अगेन थोड़ा सा बच्चों से उनके सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में पूछता है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे का एरिया कौन सा है, किस में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर जानना चाहता है और वहाँ से फिर कुछ क्वेश्चंस पुट करता है। सपोज यू फील से सर मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो दे मे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथ्स और सम न्यूमेरिकल एनालिसिस, सम फॉर्मुलेज। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें पूछ लेगा। देन अब क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर का इशू था, आर्टिकल 370 से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें अभी हुई, आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, तो जम्मू कश्मीर के बारे में करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया। तो याद रखना इंटरव्यू में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले में मैंने बच्चों को बताया था, इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, अप्रैल में, तो उसमें बच्चों से पूछा गया था एड स्ट्राइक। ठीक है, जो पुलवामा अटैक का रिटेलिएशन हमने किया था एड स्ट्राइक से, तो वो पूछा था बच्चों से। ठीक है, तो अभिनंदन वर्तमान के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो वो सारा करंट अफेयर्स उस वक्त था, इस बार का करंट अफेयर्स क्या था, अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। देन कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स या साइंस से रिलेटेड चीज़ें पूछता है आपसे। इस बार मॉलिक्यूल्स बच्चों से पूछे गए, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती हैं, ऐसे सवाल कुछ पूछे गए। लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी पूछा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो याद रखना साइंस के जितने भी फिनोमिना हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फादर के बारे में डिटेल। ठीक है, फादर के बारे में डिटेल एनालिसिस यू शुड हैव बेटा। बच्चों को पता ही नहीं होता फादर क्या करते हैं, बच्चों से मैं पूछता हूँ बेटा व्हाट डज योर फादर डू, बोलते हैं सर ही इज अ बिजनेसमैन। क्या बिजनेस है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। बेटा व्हाट डज योर फादर डू, सर ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या करते हैं उनको पता ही नहीं। व्हाट डज योर फादर डू, सर ही इज अ टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किन बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो बेटा इतनी नेग्लिजेंसी दे विल नॉट इंटरटेन, तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर फादर। तो बहुत डिटेल बच्चों से पूछा गया, व्हाट इज द जॉब ऑफ योर फादर, what he exactly do there, ठीक है, what he exactly does there, this kind of questions, ठीक है, and ठीक है, तो father के बारे में, mother के बारे में, suppose if your mother works, तो उससे भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आपके siblings, अगर आपके काम करते हैं, suppose if your brother is employed, they may ask you detailed occupation of your brother also, ठीक है। उसके अलावा now situations are very important, तो इस बार बच्चों से situation पूछी गई,
सिचुएशन में बेसिकली आपका वो रिस्पॉन्स देखते हैं। तो इस बार बच्चों से पूछा गया कि अगर आरआईएमसी में बहुत ही टफ क्वेश्चन आ जाए, अगर आरआईएमसी का पेपर आप एनकाउंटर करो और इफ़ यू फाइंड वेरी टफ क्वेश्चन इन आरआईएमसी, देन व्हाट यू विल डू, ठीक है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर आपको टफ क्वेश्चन दिखे तो पहले ईजी करोगे, देन यू विल ट्राई दोज टफ क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका देखा जाता है, ठीक है। सो एंड देन कुछ डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, तो अभी क्योंकि करंट अफेयर्स में चीफ ऑफ एयरफोर्स, ठीक है, अभी करंटली बने हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया दैट हु इज़ द चीफ ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। सो दिस वर द क्वेश्चंस विच वर आस्ड इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑफ आरआईएमसी, ठीक है। तो ऐसे ही नई वीडियोज़ मैं आपके साथ लाते रहूँगा। ऑल द बेस्ट।